हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में मैं आपसे एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। एज यू ऑल नो के जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में सारे स्कूल्स के जो है फॉर्म्स निकलते हैं फॉर द एडमिशन इन नेक्स्ट ईयर। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जुलाई के एंड से लेकर अगस्त सितंबर में फॉर्म्स निकलते हैं जो कि नेक्स्ट सेशन के लिए होते हैं, नेक्स्ट सेशन के एडमिशन के लिए होते हैं। सो आजकल सभी कुछ ऑनलाइन है, कई स्कूल्स पर्सनली बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं, इंट्रैक्शन हो रहा है या फिर ऑनलाइन ही हो रहा है एंड सारी इंफॉर्मेशन अब ऑनलाइन अवेलेबल होती है। सो आपको जिस भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, सो यू शुड चेक देयर वेबसाइट, कीप ऑन चेकिंग देयर वेबसाइट कि कौन सी डेट पे फॉर्म निकलेंगे, किस डेट पे इंट्रैक्शन होना है, किस डेट पे लिस्ट निकलेगी। ऑल दीज डिटेल्स आर गिवन इन द स्कूल्स वेबसाइट। सो आज का मेरा ये वीडियो तीन पॉइंट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, द इज द इंटरव्यू डिटेल्स कि किस तरह से इंटरव्यू होता है और किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको, आपके बच्चे को और आपको खुद को भी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि एडमिशन का जो बेसिस है वो किस बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स मैं कवर करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा एंड तक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और डू लाइक माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय पॉइंट्स एंड डू शेयर इट विद अदर्स। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी और फर्दर क्या क्वेरीज हैं जिसको मैं सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। और अगर आपने आपको एज क्राइटेरिया जानना है बच्चे का कि किस एज में एलिजिबल है बच्चा आपके किस क्लास के लिए, वो मैंने वीडियोस बनाए, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको बोर्ड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम है कि किस बोर्ड पे बनाना है, सीएससी, सीबीएसई और भी बोर्ड्स होते हैं, तो उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। सो आज के वीडियो पर हम बढ़ते हैं। तो जो है सबसे पहले जो पॉइंट है मेरा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आप जैसे ही फॉर्म्स निकलने लगे, सो यू वुड बी नीडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो पहले से आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। सो जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी के पास होती है। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फोटो कॉपी करा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, अब सारे स्कूल्स आधार कार्ड भी चाहिए रहता है बच्चे का, सो उसकी भी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। देन आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, जो पर्सनल आईडी है जिसमें आपकी फ़ोटो हो दोनों पेरेंट्स की, वो ज़रूरी है, उसकी आप फोटोकॉपी लेके रखें। देन एड्रेस प्रूफ, जो आपका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी चाहिए होती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फ़ोन बिल हो गया जिसमें आपकी एड्रेस लिखा हुआ है, उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। आपकी पेरेंट्स की और चाइल्ड की दोनों की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आप काफ़ी सारी खिंचवा के रख लें, बिकॉज कई स्कूल्स 4 फोटोग्राफ्स मांगते हैं, कई स्कूल 6 मांगते हैं, कई 8 मांगते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप थोड़ी ज़्यादा खिंचवा के रख लें, सो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चाइल्ड की भी और पेरेंट्स की भी दोनों की फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं एडमिशन के टाइम में, ये वो होते हैं। नाउ कम्स द इंटरेक्शन, जो इंटरव्यू होता है। पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए। सो इंटरेक्शन जो होता है वो एक तो पेरेंट्स का होता है और एक बच्चे का होता है। नर्सरी एडमिशन में बच्चे का इंट्रैक्शन एज सच नहीं होता, पहले मैं बच्चे के इंट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। बच्चे का इंट्रैक्शन नॉर्मल क्वेश्चंस पे होता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, कुछ एक ड्राइंग पूछी जाएगी बच्चे से, कुछ कलर्स शो करके पूछे जाएंगे, या बच्चे ने जो ड्रेस पहनी हुई है उसका कलर पूछा जाएगा, कुछ बेसिक से सवाल, ए टू जेड की ड्राइंग, या तो कलरिंग के लिए एक शीट दे दी जाएगी बच्चे को, कुछ क्रेयॉन्स दे दिए जाएंगे उसे कलर करना है, क्रेयॉन्स उठा के पूछा जाएगा विच कलर इज़ दिस। देन कुछ पजल्स दिए जाते हैं, जो पजल्स होते हैं ब्लॉक्स बनाने वाले, उस तरह के कुछ, और उन्हें बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल कि वो किस तरह से या क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे या इस तरह की कुछ एक्टिविटी कराते हैं जिससे कि बच्चे का ओवरऑल जो है कुछ पता चले कि किस तरह से बच्चा बिहेव करता है। सो ये है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कुछ नर्सरी के एडमिशन में क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। हाँ,
हायर क्लासेस के लिए जा रहे हैं तो उस तरह से उस लेवल बढ़ता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, राइटिंग शुरू हो गई तो रिटन एग्जाम भी होता है, टेस्ट होता है। बट नर्सरी के लिए बेसिक यही क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल जो है माइसेल्फ वाले क्वेश्चंस और कुछ ये एक्टिविटीज। देन पेरेंट्स का इंटरेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, बच्चे के बारे में कुछ क्वेश्चंस, बच्चे की पेरेंटिंग, जैसे बच्चे की पेरेंटिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल से पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपके पर्सनल एजुकेशन, पर्सनल आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपके हो सकता है रूटीन बच्चे को लेकर क्या है, उस पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट द चाइल्ड, या आपकी बच्चे को लेकर क्या प्लान्स हैं, व्हाट यू वुड लाइक टू डू कि बच्चा जब पढ़ ले तब उसके फ्यूचर प्लान्स आपके लिए क्या है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जस्ट टू नो अबाउट योर यू नो नॉर्मल इंट्रैक्शन जो होता है वो किया जाता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं, यू हैव टू बी नॉर्मल, यू हैव टू बी नेचुरल, जो आप सच सही है वो आप करें, कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, आपको नॉर्मल रहना है। और जिससे क्वेश्चन पूछा जाए आइदर ऑफ द पेरेंट्स वही आंसर करें तो इट्स बेटर, आप वाइफ के बिहाफ पे या हस्बैंड के बिहाफ पे आंसर ना करें। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिस पर जज किया जाता है आपका इंट्रैक्शन का क्या वैल्यू है या आपको सेलेक्ट करना है या नहीं। सो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी नेचुरल, बिकॉज ये जो इंट्रैक्शन का क्राइटेरिया है या इंट्रैक्शन का जो बेसिस है बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। देन कम्स, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने इंट्रैक्शन कर दिया, देन आपका बच्चे का एडमिशन किस बेसिस पे होगा। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल, अभी ये वैरी करता है किस तरह से स्कूल ने क्या क्राइटेरिया अपनाया है बच्चों के एडमिशन का, कुछ फिक्स्ड नहीं है। बट सर्टेन थिंग्स आर देयर, सिबलिंग पढ़ा है, बच्चे का भाई बहन कोई स्कूल में पढ़ा है तो उसका एक पॉइंट होता है। फिर आपका स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा पास रहते हैं तो आपके लिए फेवरेबल होता है पॉइंट। देन पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन भी कई स्कूल्स क्राइटेरिया रखते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक यू नो केप्ट सीक्रेट, उसका कोई बेसिक नहीं है कि ये होगा, ये पेरेंट का ऑक्यूपेशन होगा तब मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल एंड उस टाइम पर क्या उनकी सोच है, दैट डिपेंड्स वो। फिर कुछ हिडन क्राइटेरिया है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि स्कूल रिवील नहीं करती है, वो है। फिर आपका जो इंट्रैक्शन हुआ है, बच्चे का जो इंट्रैक्शन हुआ है वो भी मैटर करता है, किस तरह से उस वक्त आपने बिहेव किया, बच्चे ने बिहेव किया, उस पर भी बच्चों का सिलेक्शन डिपेंड करता है। सो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपका बच्चे का सिलेक्शन होता है। आपको नॉर्मल रहना है, नेचुरल रहना है एंड होप फॉर द बेस्ट। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ कमी होगी हमें यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन द स्कूल, स्कूल का उस वक्त का बिहेवियर, जिसने सिलेक्शन प्रोसेस किया है उसका बिहेवियर, ये भी मैटर करता है। और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली ये भी मैटर करता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं और उनकी सीट्स नहीं हैं, तो उनके पास अच्छे बच्चे भी हो सकता है ना सेलेक्ट कर पाएँ, सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होनी है, थोड़े बहुत प्रिपरेशन कर लें, आप बेसिक चीज़ें बच्चे को सिखा लें, थोड़े बहुत अपनी भी प्रिपरेशन कर लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और भी अवेयर कि कब किस स्कूल के फॉर्म मिल रहे हैं। हो सकता है डेट निकल जाए और आप फॉर्म्स मिस कर दें, सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सो ईजिली बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। सो आई होप कि मेरे ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, आपके काम आएंगे मेरा ये वीडियो। सो अगर आपको पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।